कंस्ट्रक्ट द LR0 पार्स टेबल फॉर दिस ग्रामर. ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस LR0 पार्स टेबल आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके, तो रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे वो मैं आंसर करते समय बोलता जाऊंगा. ओके, तो हमको ये ग्रामर गिवन है, LR0 पार्स टेबल हमको बनानी है, तो हमको आर्गुमेंटेड ग्रामर लिखनी पड़ेगी. ई डैश डिराइव्स ई, ई डिराइव्स टी प्लस ई, ई डिराइव्स टी एंड टी डिराइव्स आई डी. ओके, यहां पर मैंने ये रेड कलर में ओरिजिनल ग्रामर में तीनों प्रोडक्शन की नंबरिंग कर रखी है, इसका मुझे यूज करना रहेगा. ओके, तो अब यहां पर बात करते हैं. हमेशा स्टार्टिंग जो कि LR0 ऑटोमेशन बनाने जा रहे हैं, LR0 ऑटोमेशन को देख करके ही इस LR0 पार्स टेबल की एंट्रीज फिल की जाएंगी. ओके, तो LR0 ऑटोमेशन की स्टार्टिंग कैसे होती है, जो इनिशियल स्टेट होती है उसमें ऑगमेंटेड ग्रामर के रिस्पेक्टिव LR0 आइटम लिखा जाता है. तो जैसे कि इसके रिस्पेक्टिव जो LR0 आइटम है वो क्या आ गया, ई डैश डिराइव्स ई, ऑगमेंटेड जो प्रोडक्शन है जिसकी वजह से पूरी ग्रामर ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई थी, तो इसके रिस्पेक्टिव मैंने ये LR0 आइटम लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप, इसमें जो डॉट के बाद जो स्टार्ट सिंबल ऑफ ओरिजिनल ग्रामर है इसका क्लोजर अब लिखा जाएगा. ओके, तो डॉट के बाद जब भी नॉन टर्मिनल होता है तो क्लोजर लिखा जाता है. क्लोजर में क्या आता है कि ये नॉन टर्मिनल क्या क्या प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है. तो अगर देखें हम तो क्या क्या डिराइव कर रहा है, ई डिराइव्स डॉट टी प्लस ई. डॉट क्यों, क्योंकि अंदर इस स्टेट में सारे LR0 आइटम ही होते हैं. ओके, इसके बाद क्या करेंगे, ई डिराइव्स दूसरा भी एक ई से प्रोडक्शन है, ई डिराइव्स टी, ई डिराइव्स टी प्लस ई एंड ई डिराइव्स टी, तो दोनों लिखे जाएंगे और दोनों के बिगिनिंग में डॉट लगाया जाएगा. अगर आप इस सेकेंड LR0 आइटम में देखें तो डॉट के बाद क्या है, टी है. टी एक नॉन टर्मिनल है, तो इसका मतलब टी जो भी कुछ ड्राइव कर रहा है उसके रिस्पेक्टिव LR0 आइटम यहां पर आपको क्लोजर में ऐड करना पड़ेगा. तो इसका मतलब सेकेंड LR0 आइटम में क्लोजर लिया जाएगा और टी डिराइव्स ओनली आईडी, तो इसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन क्या मिल गया, LR0 आइटम क्या मिल गया, टी डिराइव्स डॉट आईडी. ओके, अब क्या करेंगे, पहले LR0 आइटम में डॉट के बाद जो भी ग्रामर सिंबल है उसका ट्रांजिशन लेंगे और यहां पर क्या करेंगे, ई डैश डिराइव्स ई डॉट. क्या डॉट के बाद ई किसी और प्रोडक्शन में था, नहीं था, इसीलिए इस स्टेट में सिर्फ एक ही आइटम LR0 आइटम आएगा. अगर डॉट राइट हैंड साइड प्रोडक्शन के सबसे लास्ट में पहुंच जाता है तो कभी भी फिर उसका क्लोजर नहीं पॉसिबल है, इसीलिए क्लोजर की बात मैंने इस स्टेट पर नहीं की है. ओके, नाउ कम फॉर द सेकेंड LR0 आइटम. डॉट के बाद नॉन टर्मिनल टी है. ओके, तो जिन जिन LR0 आइटम में डॉट के इमीडिएट बाद कैपिटल टी है वो सब एक स्टेट में जाएंगे. ओके, टी डॉट प्लस ई. ओके, और ये थर्ड LR0 आइटम में भी क्या है, यहां पर भी मींस आपको ये टी है तो दोनों पर दोनों के दोनों LR0 आइटम के रिस्पेक्टिव एंट्री इस स्टेट पर होगी, तो वो मैंने बना दी. चूंकि यहाँ डॉट के बाद प्लस था मतलब टर्मिनल था, इसीलिए मैंने क्लोजर की बात नहीं की. और ये तो दूसरी एंट्री रिड्यूस्ड आइटम है तो फिर इसका क्लोजर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो कंप्लीटेड आइटम है, जो उसके साथ होना था हो चुका. ओके, अब बात करूंगा इसकी, यहां पर ये आईडी लूंगा और टी डिराइव्स आईडी की आईडी डॉट, इस तरह से एक एंट्री ये हो जाएगी. ओके, आईडी एक टर्मिनल है तो इस तरफ ये भी कंप्लीटेड आइटम हो गया. ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर सवाल सिर्फ इतना होता कि
क्या ये ग्रामर LR0 ग्रामर है? ओके, इन दैट केस आपको ये LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करने की कोई नीड नहीं थी, सिर्फ ये पार्शियल LR0 ऑटोमेशन बना के आप क्या आंसर कर सकते हो? आप आंसर कर सकते हो कि ग्रामर LR0 है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये क्या है, ये है एक रिड्यूस एंट्री। ओके, ये रिड्यूस्ड आइटम है, मतलब ये रिड्यूस एंट्री है। और डॉट के इमीडिएट बाद क्या है? टर्मिनल है। डॉट के जब इमीडिएट बाद टर्मिनल होता है तो उसको शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट एंट्री। तो ये क्या मिल गया? ये मिल गया शिफ्ट। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? ये दोनों मिलकर के बन गए SR कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अगर SR कॉन्फ्लिक्ट यहां पर आ गया है तो इसका मतलब है जब ये पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे तो एक सेल में मल्टीपल कोई ना कोई एक ऐसी सेल होगी, या और एक्यूरेट बोले तो I2 रो में एक सेल होगी जो जिसमें मल्टीपल एंट्री होंगी। और चूंकि मल्टीपल एंट्री इस LR0 पार्स टेबल में आ चुकी हैं, इसका मतलब ये ग्रामर LR0 ग्रामर नहीं है। तो अगर सवाल सिर्फ यही होता कि ये ग्रामर LR0 है या नहीं, तो ये ग्रामर LR0 ग्रामर नहीं है। ओके, अब लेकिन हमको तो पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम पूरा LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, ये कंप्लीटेड आइटम, ये कंप्लीटेड आइटम। अब यहां पे बात करेंगे, यहां पे क्या बात होगी? डॉट के बाद प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस को यहां पर ट्रांजिशन देंगे और यहां लिखेंगे ए डेराइव्स टी प्लस डॉट ई। ओके, अब यहां पर आप देख लो कि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, तो आपको क्लोजर लिखना पड़ेगा। क्या क्लोजर लिखोगे? ई डेराइव्स डॉट टी प्लस ई एंड ई डेराइव्स डॉट टी। चूंकि डॉट के बाद टी एक नॉन टर्मिनल है, तो इस सेकेंड LR0 आइटम का भी क्या लिखना पड़ेगा? इसका भी आपको क्लोजर लिखना पड़ेगा। तो टी जो भी कुछ डिराइव कर रहा है, टी डिराइव्स आईडी, उसके रिस्पेक्टिव एक LR0 आइटम यहां पर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये स्टेट कंप्लीट होती है टी में। और भी अच्छा, एक बात और ध्यान रहे, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस डॉट इस टी को तो कह रहा हूं कि इस LR0 आइटम के रिस्पेक्टिव जो क्लोजर है वो आपको लिखना है, टी डिराइव्स डॉट आई टी आपने लिखा, लेकिन मैं इस ई डिराइव्स डॉट टी में इस टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर याद हो आपको तो क्लोजर के रूल में क्या बोला गया था कि अगर ई डिराइव्स डॉट टी ये सिनेरियो मिलता है और टी से आप क्लोजर लिखने की कोशिश करते हैं, तो टी के क्लोजर में क्या आता है? टी डिराइव्स डॉट आई डी। अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दोबारा फिर कंप्यूट करने की या कैलकुलेट करने की या लिखने की नीड नहीं है, इसीलिए मैंने इस डॉट के बाद जो नॉन टर्मिनल है उसके लिए क्लोजर नहीं लिखा है। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी है। अब बात करते हैं, तो मींस इसका प्लस मैंने हैंडल कर लिया और ये तो कंप्लीटेड आइटम था दूसरा वाला, तो अब इसके लिए कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। ओके, इसमें जरूर अभी पॉसिबल है। इसमें क्या पॉसिबल है? इसमें पहला तो ये डॉट के बाद ई है, तो मैंने इस ई को ये ट्रांजिशन लिया और इससे मेरा आइटम क्या बना? ई डिराइव्स क्या? ई डिराइव्स क्या? टी प्लस ई और ये डॉट, और इसके रिस्पेक्टिव एक स्टेट बन गई। डॉट के बाद ई सिर्फ एक ही LR0 आइटम में था, इसीलिए सिर्फ यही आइटम यहां आया है। और जब भी गो टू होगा तो ये डॉट एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ये सेकंड LR0 आइटम की। डॉट के बाद टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप इस LR0 ऑटोमेशन को DFA बना रहे हो, इवन DFA नहीं, मिनिमल DFA बना रहे हो। एक भी स्टेट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट स्टेट नहीं होनी चाहिए। ओके, उसका भी मैं ध्यान रख रहा हूं कंस्ट्रक्ट करते समय। तो आप देखो ई डिराइव्स डॉट टी, तो टी का ट्रांजिशन मुझे देना है। अब अगर टी का ट्रांजिशन दूंगा तो वो LR0 आइटम क्या बनेगा? ई डिराइव्स टी डॉट प्लस ई, ई डिराइव्स टी डॉट प्लस ई, डिक्टो सेम है। ओके, उसके बाद क्या करूंगा? ई डिराइव्स मीन्स इस टी डॉट प्लस ई ऐसे करके हो जाएगा। और दूसरा अगर आप देखो डॉट के बाद टी यहां पर भी है, तो ये क्या होगा? ई डिराइव्स टी डॉट,
तो इसका मतलब इन दोनों मींस कैपिटल टी के ट्रांजिशन के लिए पूरा का पूरा कंटेंट आपको कहां मिल जा रहा है, इस I2 में। और इसीलिए मैं क्या बोलूंगा कि ये मुझे कैपिटल टी के ट्रांजिशन पे I2 में सब कुछ मिल जा रहा है। ओके, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये ऐसे। ओके, तो ये सिनेरियो मींस हो चुका है। अब एक एंट्री और देखने की नीड है। अगर आप यहां पर देखें टी ड्राइव्स डॉट आईडी, तो अब आईडी का ट्रांजिशन इस स्टेट पे लूंगा। आईडी का जब एज पे आईडी आएगा तो प्रोडक्शन क्या बनेगा, एलआर जीरो आइटम टी ड्राइव्स आईडी डॉट, टी ड्राइव्स आईडी डॉट। इसका मतलब है इसको क्या कर दूं, आईडी पर सीधे इस स्टेट पर छोड़ दूं। ओके, तो अब जो भी स्टेट थी सब कंप्लीट है, कहीं पर और कोई स्टेट बढ़ नहीं सकती है। ओके, अगर स्टेट की नंबरिंग कर दूं आई थ्री आई फोर और ये आई फाइव, ओके, इसका मतलब टोटल कितनी स्टेट्स हैं, सिक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पार्स टेबल फिल करेंगे। तो आई जीरो के रिस्पेक्टिव जहां नॉन टर्मिनल है वो गो टू में एंट्री जाएगी, और जहां एज में टर्मिनल है वो शिफ्ट है। अगर स्टेट के अंदर रिड्यूस्ड या कंप्लीटेड आइटम है तो उसके लिए उस स्टेट में उस रो में मींस क्या होगा, जो है उस प्रोडक्शन के रिस्पेक्टिव रिड्यूस्ड एंट्री फिल की जाएगी। तो अब ई आई जीरो में ई और टी, ई में वन में गया है, टी में टू में गया है, ई में वन में गया है और टी में टू पे गया है। ओके, आईडी पे थ्री पे गया है, आईडी चूंकि टर्मिनल है तो इसको मैं शिफ्ट कहूंगा। तो आई जीरो आईडी थ्री में गया है, तो यहां पे ये कौन सी एंट्री है, ये शिफ्ट एंट्री है, शिफ्ट और थर्ड स्टेट पे गया है। ओके, आई जीरो का काम हो गया। आई वन को भी पिक नहीं करूंगा, रिड्यूस्ड एंट्री है, वैसे भी वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। आई टू पे बात करूंगा, आई टू पे अगर देखें आप तो आई टू पे सिर्फ एक ही ट्रांजिशन हुआ है प्लस पे। ओके, और प्लस क्या था, टर्मिनल था, इसका मतलब जो भी एंट्री बनेगी वो शिफ्ट बनेगी। आई टू से आई टू में शिफ्ट हुआ है प्लस पे, मतलब यहां पे एंट्री फिल करूंगा और फोर पे गया है, तो क्या कहूंगा, एस फोर। ओके, और आई टू में और कोई एंट्री, एक रिड्यूस्ड एंट्री है, लेकिन रिड्यूस्ड एंट्री इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, इसीलिए इसको मैं अभी नहीं देख रहा हूं, इसको मैं मार्क कर देता हूं, इसको बाद में देखूंगा। ओके, नाउ कम टू आई थ्री, रिड्यूस्ड आइटम, इसको भी नहीं देखूंगा। आई फोर में आओ, आई फोर में आते हो आप, तो एक तो ये है प्लस मींस ये जो है क्या कहते हैं, ई डिराइव्स टी प्लस डॉट ई, तो डॉट ई की वजह से क्या है, ई का ट्रांजिशन हुआ, तो ई क्या था, नॉन टर्मिनल, तो आप कहां थे, फोर में। ओके, आई फोर में, और ई के पर नॉन टर्मिनल पे कहां गया, फाइव, आई फोर में है, ई पे आप क्या लिखोगे, इस स्टेट का नंबर। नाउ आई फोर से कैपिटल टी, ये क्या है, आई टू, तो क्या करोगे, आई फोर से कैपिटल टी प्रोडक्शन मींस स्टेट का नंबर, दैट इज टू, आई टू है तो आप टू लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद इसमें और कुछ है, एक ट्रांजिशन और है, ये आई डी का, तो आई डी क्या थी, टर्मिनल, टर्मिनल था, तो इसका मतलब शिफ्ट एंट्री, गया कहाँ है, थ्री पे, तो इसका मतलब ये आई डी में ये यहां पर क्या होगा, शिफ्ट एंट्री फिल की जाएगी। ओके, आई फोर भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगर बात करें तो अब जो भी कुछ बचा हुआ है, जैसे ये है रिड्यूस्ड आइटम, रिड्यूस्ड आइटम, रिड्यूस्ड आइटम, और ये रिड्यूस्ड आइटम, तो अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड आइटम की एंट्री फिल करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि रिड्यूस्ड आइटम की एंट्री कैसे फिल की जाएगी। यहां से देखें आई फोर आई फाइव तक हमको टेबल की जरूरत है। ओके, क्योंकि आई फाइव पांच स्टेट है हमारे पास, तो अब देखते हैं पहले आई थ्री को फिल करते हैं। ओके, पहले आई थ्री को फिल करते हैं, टी डिराइव्स आई डी, कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, थ्री, रिड्यूस्ड आइटम आर थ्री, आर थ्री फिल करेंगे किसमें, आई थ्री की रो में और पूरे एक्शन पार्ट में, तो क्या फिल करेंगे, आर थ्री आर थ्री आर थ्री, सिर्फ एक्शन पार्ट में। ओके, गो टू में नहीं जाएंगे। इस पे आइए आई फाइव पे, प्रोडक्शन नंबर क्या है, ई डिराइव्स टी प्लस ई वन, तो आर वन रिड्यूस्ड आइटम है, आर वन फिल करेंगे कहां, सिर्फ एक्शन पार्ट में। ओके, अब बात करते हैं इसकी, आई टू में भी एक रिड्यूस्ड आइटम है, ई डिराइव्स टी, प्रोडक्शन नंबर क्या है, टू, तो आर टू, आर टू फिल करेंगे कहां पर, आई टू में,
आई टू क्या है ये, तो क्या फिल करेंगे आर टू फिल करेंगे। यहां पे भी इसको ठीक से फिल कर देता हूं, ये क्या था एस फोर और आर टू, और ये क्या था आर टू। ओके मींस जो पहले से स्पोर था वो और आर टू, चूंकि हर टर्मिनल में हर कॉलम में मुझे फिल करना है आई टू में, तो आर टू हर जगह मैंने फिल कर दिया। ओके आई टू में यहां पर मैं एक बार और देख लेता हूं कि ये एस फोर ही था, आई टू में प्लस पर फोर में एग्जैक्टली एस फोर ही था। ओके नाउ इसका मतलब ई डिराइव टी डॉट जो रिड्यूस्ड एंट्री थी आई टू में उसके रिस्पेक्टिव एंट्री फिल की जाएगी। अब सबसे एंड में अपने इसकी बात करते हैं आई वन के लिए जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस को बताने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे डॉलर में जाएंगे और सिर्फ यहां पर एक्सेप्टेंस लिखेंगे। ओके चलो अब बात करते हैं कि ये है एल आर जीरो पार्स टेबल। अब यहां देख लो इसकी इस सेल में मल्टीपल एंट्री है एंड देयर फोर दिस ग्रामर इज नॉट एल आर जीरो ग्रामर। ओके जिसको मैंने तीन ही स्टेट बना के बता दिया था कि ग्रामर एल आर जीरो नहीं है। ओके एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा इसी क्वेश्चन में मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन या मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड टू आंसर वेदर दिस ग्रामर इज एल आर जीरो ग्रामर और नॉट। ओके उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सी में आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री आई फोर और आई फाइव ये पूरी स्टेट्स दैट इज इसका साइज क्या है 6 अगर नंबर में कोई पूछता है, अदरवाइज कैनोनिकल कलेक्शन में आई जीरो से आई फाइव पूरी की कंप्लीट एल आर जीरो ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट होगा ओनली देन एल्गोरिथम विल आंसर। ओके लेकिन जब आप गेट का क्वेश्चन या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप सिर्फ ये पहली स्टेट दूसरी स्टेट तीसरी स्टेट इस तीन स्टेट में भी ही आंसर कर दोगे कि ये ग्रामर एल आर जीरो नहीं है, लेकिन प्रोग्राम या एल्गोरिथम उसको पूरा एल आर जीरो ऑटोमेशन चाहिए वो तभी आंसर कर सकती है कि ये एल आर जीरो ग्रामर है या नहीं है। ओके तो इसका आंसर कि मिनिमम साइज ऑफ एल आर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन जो है एल आर जीरो ऑटोमेशन टू आंसर वेदर द गिवन ग्रामर इज एल आर जीरो और नॉट, तो उसके लिए आपको हमेशा कंप्लीट एल आर जीरो ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा और या तो 6 आंसर होगा अगर इस तरह से आंसर लिखा हुआ तो आई जीरो से आई फाइव तक स्टेट्स। ओके अगर इसमें कोई पूछता है कि क्या एक भी इन एडेक्वेट स्टेट है तो यस वो स्टेट जिसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। ओके वो स्टेट जिसमें किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उस स्टेट को इनएडिक्वेट स्टेट बोला जाता है एंड देयरफॉर दिस आई टू स्टेट इज ये आई टू स्टेट क्या है इनएडिक्वेट स्टेट है। ओके एस आर कॉन्फ्लिक्ट 1 आर आर कॉन्फ्लिक्ट 0 ओके एंड दैट्स डन।